मम्मी को शायद दूध नहीं आ रहा हो, तो फिलिप्स पर अपार्टमेंट मम में, तेरी मम्मी को क्यों दूध आएगा? दूध तो तुझे आएगा ना। मैं मेरी बात कर रही हूँ, अच्छा तेरी अच्छा अच्छा मम्मी अच्छा की। मम्मी इसको अगर दूध नहीं आता तो हाँ क्यों गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला था कि मैं अगले वीडियो में ये दिखाना चाहती थी कि न्यू बॉर्न्स के लिए एसेंशियल्स क्या क्या होता है, तो उसके बाद हमने एक मसाज वाला वीडियो बना लिया जिसकी व्यूज़ एक्चुअली में बहुत अच्छे आए हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना प्यार दिया और ये वीडियोज़ आपने शेयर किया, देखा। आई होप उससे कुछ मैसेज भी गया हो, कुछ समझ में भी आया हो, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया, मैंने सीखा भी। मैं इसके मसाजेस करती हूँ कभी कभी कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा करूँ, लेकिन कभी कभी। थैंक यू फॉर सेइंग द ट्रुथ। ओके ग्रेट। उसके हाँ, तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि वो न्यूबॉर्न एसेंशियल्स बना दूँ ताकि पता रहे कि आज के दिन में क्या क्या चाहिए होता है। एक अपनी ऑडियंस को वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेगी? सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा चैनल नहीं है, आलिया का चैनल है, तो आलिया के लिए सब्सक्राइब कर। आलिया बताओ। तो ये जो एसेंशियल्स है वो मैं डेफिनेटली नीचे लिस्ट डाउन करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए एसेंशियल्स हो वो आपके लिए भी हो, या जो आपके लिए भी हो वो मेरे लिए था। अभी आलिया 2.5 months की हो रही है, तो कुछ चीज़ें अभी जो मैं यूज़ नहीं भी करती, सारी चीज़ें मैं लिस्ट डाउन करूँगी जो उसने शुरू के दिन में यूज़ किया था और आज भी यूज़ में आ रहा है, और कहाँ से ख़रीदना है उसके लिए भी मैं लिंक दे दूँगी। मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें आपको वहाँ पे लिंक में मिल जाएगा, तो आप उसमें लिंक पे चेक कर सकते हैं। प्राइसेस सारी चीज़ों का बहुत रिजनेबल है, क्योंकि मैंने कुछ भी चीज़ एक्सपेंसिव नहीं लिया है, क्योंकि पता है सारी चीज़ें थोड़े दिन के लिए यूज़ होंगे, तो सबके लिए वो ईजी होगा ख़रीदना। तो हॉस्पिटल में जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पर वो लोग एक ब्लैंकेट मांगते हैं जिससे वो उसको स्वाडल कर पाए, और उसके बेसिक क्लोथ्स, तो मैंने उसके लिए ओनेसीज खरीदे थे न्यूबॉर्न वाले। तो ऐसे मैंने ज़्यादा नहीं खरीदा था, क्योंकि मैंने सबने मुझे बताया था कि जो कपड़े होते हैं वो विद इन अ वीक छोटा हो जाता है, तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने दो सेट खरीदा था। एक एक सेट में 5 pieces रहते, तो ऑलमोस्ट 10 pieces, जो शायद थोड़ा कम था, बट इट वॉज़ फाइन, इट वॉज़ मैनेजेबल। और इसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर पहनने के लिए ऐसे पजामास खरीदा था, क्योंकि विंटर में बॉर्न था, आलिया नवंबर में पैदा हुई थी, तो ये फुल कवर कर देता है। तो ओनेसीज ये, और साथ में था ये ब्लैंकेट स्वाडल, ऐसे करके नीचे से पहले फोल्ड करके फिर ऐसे ऐसे करके दिया था ना तुझे, ये मेरा गुलदस्ता बना के दिया था। ये स्वाडल हमें लगा था महीनों तक चलेगा। एक्चुअली ये बोलते हैं कि 3 months तक बच्चे को स्वाडल करना पड़ता है, लेकिन इसने तो चौथे पांचवे दिन ही ये अगर स्वाडल करो शुरू कर दिया था। स्वाडल करो तो ये सुलाने के लिए जरूरी था। मैंने स्वाडल की बात पे, मैंने स्वाडल खरीदा था मसलिन वाले, जो कि इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, ये गेगल्स ब्रांड का है, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बच्चे के लिए परफेक्ट है, न्यूबॉर्न के लिए। न्यूबॉर्न आलिया को गुस्सा आ रहा है, अगर तुम लोग हो घर में तो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो हाँ, स्वर्डल ऑल्सो, ऐसे वाले स्वर्डल्स भी है। वो तेरी बात का रिप्लाई दे रही है और तुझे गुस्सा कर रही है। उसको क्या पता तू वीडियो बना रही है। दूसरा जो अभी आप एकदम से देख सकते हो, नर्सिंग कवर। तो नर्सिंग कवर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ऑनेस्टली मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था, और जब भी हम लोग कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या कहीं भी पब्लिक प्लेस, पार्क्स, एनीवेयर, कहीं पे भी इसको लपेट के, एंड इट्स वेरी नाइस, अपने बच्चे को कवर करके वो खुले में कहीं पे भी दूध पिला सकती है इसको पहन के। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि ये नर्सिंग कवर कम, और ये कार सीट कवर है, तो बेबी का जो कार सीट होता है ये उसका कवर है। सच में? हाँ, ये उसका कवर है।
तो इसको हम एज अ नर्सिंग कवर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो नर्सिंग कवर होते हैं ये कार सीट कवर है, मुझे नहीं पता था ये। विंटर में पैदा हुई थी तो मैंने ब्लैंकेट्स लिया था, ब्लैंकेट्स मैंने 4 पीसेस लिया था, बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी सा है, बट इट्स गुड टू बी रेडी विद 2-3 ऑफ दीज एंड 2-3 ऑफ दैट जस्ट टू स्टार्ट विद यार। वाला है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ताकि हेड का शेप जो बैक से हो वो राउंड रहे। अच्छा बहुत सॉफ्टी है हाँ, और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है ये क्लिप। जो भी लोग घर पे आते हैं हमारे, अच्छा मैं भी वीडियो में, हेलो हेलो प्रियंका का चैनल, आलिया का चैनल, अच्छा जो भी लोग घर पे आते हैं हमारे और बच्चे को उठाते हैं, आई डोंट नो इट्स वर्ल्ड वाइड एक चीज है, बच्चे को उठा के आ ऐसा करते हैं ना, आपने भी किया था, मेरे मम्मी पापा भी कर रहे थे, बिंदिया ने भी किया था, मैं खुद कर रही थी, प्रियंका हॉस्पिटल में, देन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ देम व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू नो बेबी डजंट नीड टू बी शेकन, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब है, आई मीन जरूरत नहीं है बच्चे को, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शी और ही वाज बोर्न, तभी से बच्चों को पता भी नहीं है ना कि ये क्या होता है, हम लोग उसको आदत डालते हैं, अगर हम ऐसा ना करें देन बच्चा बहुत ही इजी रहता है ना, देख अभी तू उसको आ नहीं कर रही है बट आराम से दूध पी रही है, देखा मैंने कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है तेरे चैनल में, बच्चे को पालना ढोलना झोलना बच्चे को नहीं पता, नहीं पता और उसको चाहिए, he or she doesn't know कि इस दुनिया में क्या एग्जिस्ट करता है, तो आई थिंक सॉफ्ट इजी नेक्स्ट टू मी क्रिब होना चाहिए जो आपको इजी रहे, बच्चे को तो आदत पड़े, यूज एंड थ्रो टाइप ही हो तो चलेगा क्योंकि कुछ ही दिन के लिए, हाँ वो है बेबी के टॉवल्स, हाँ जब हम उसको ना जंप कर दिया मैंने टॉपिक क्योंकि मुझे अभी मैं दूध पिला रही हूँ, मैं उधर जाके दूसरी चीजें दिखाऊंगी। I have a towel, very very big one. It's from Carter's. It was a gift, nice gift. I have lots very of very useful. Very useful. तो ये for the head, baby का head आज तक इतना बड़ा हुआ नहीं है, but still. और ये बहुत बड़ा है as you can see. White है ताकि अगर कुछ भी dirt है दिख जाता है. Very important बच्चे के चीजें बहुत light color के होने चाहिए ताकि dirt है तो पता रहे. Specially head. तो ये एक टॉवल है जो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, बट डेफिनेटली इट्स नॉट सॉफ्ट, इससे आप बच्चे को रब नहीं कर सकते, इट्स जस्ट टू स्वाडल एंड होल्ड, इट्स नॉट सॉफ्ट बट इट्स सॉफ्टर देन माय ओन टॉवल, और उसके बाद मैंने एक क्यूट सा ये आलिया की बुआ ने गिफ्ट किया था, कौन सी वाली, ये बिंदिया वाली, बिंदिया ने गिफ्ट किया था ये, अब मुझे लगा वो खाली हाथ आके खा पी के चली गई एक महीने ऐसे ही, तो ये इट्स वेरी गुड टू यूज क्योंकि बच्चे को बात देने के बाद उसको इसमें रैप करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो 2 मिनट ही रहता है, तो ये वाला बाथटब ये भी गिफ्ट में आया था, तो ये बाथटब बहुत यूजफुल है, इसमें एक न्यूबॉर्न सीट है और इसको हम लोग डेफिनेटली कहीं एक सरफेस पे ऊपर रख के यूज करते हैं क्योंकि इतना नीचे झुक के नहलाना डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। अच्छा इसमें यहाँ पे जगह दी हुई है ना स्टैंड, अगर है तुम्हारे पास तो बुलाएंगे, एक्चुअली वो स्टैंड के लिए नहीं है, वो है सिंक के ऊपर रखने के लिए, और ये थोड़ा रफ है ताकि बेबी स्लिप ना हो, पर फिर भी नजरों से हटना नहीं चाहिए ना बेबी बिल्कुल भी, और यहाँ पे उसके बट्स टिक जाते हैं, और अगर न्यू बॉर्न है तो नजर हटनी ही नहीं चाहिए। मैं क्विकली दिखाना चाहती हूँ, दिस इज आल्सो फ्रॉम क्लेवर मामा, इट्स अ वेज पिलो, आई थिंक इट्स वेरी 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 यूजफुल, वेरी यूजफुल क्योंकि बच्चे को दूध पिलाओ और वो एकदम से प्रेशर आता है अगर वो सीधा लेट जाए तो इस पे लिटा दो तो उसको ना तो प्रेशर आता है ना ही दूध पिलाओ करते हैं उतना ही, it's recommendable to put baby on incline mode, so that is the reason ये इसमें baby को ऐसे बिठाती और उसको very nice demonstration, पैर यहाँ से निकल जाता है and she is like in her comfort zone in a lounge, a diaper bag which is very 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 yeah, this is this has been the most useful no for travel, most useful gift, इसमें सारी चीजें हैं जो I love it. This is personally one of my favorite. Like this is really, really, really nice. Also, I wanted to show one more thing, जिसको मैं फटाफट लगा के दिखा देती हूँ. ये है changing pad, जबकि हम बाहर जाते हैं, so it's very handy. तो इसको ऐसे open करो. It looks like you will bring out lot of files and papers. ये है baby के लेटने के लिए, जब आप कहीं भी बाहर surface. It's like easy to clean. Yeah. Like everywhere there is a baby changing surface, but you should not put the baby directly there, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं. Not hygienic. उस जगह को पहले wipe करना चाहिए मेरे ख्याल में, और उसके बाद में इसको रखना चाहिए. हाँ. छोटा सा pillow surface है head रखने के लिए.
थोड़ा सॉफ्टी है यहाँ पे। और इसमें नॉर्मली मैं ये गिर गया अंदर अपने वाइप्स रखती हूँ। Wet, this is wet wipe, yeah? Yeah. Not alcohol wipe, but water wipe. Water wipes. बच्चों को। I'm using currently Pampers because I really really prefer it. क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे other brands मैंने खरीद के रखा है, but still I prefer this. मैं इधर अपना wipes रखती हूँ, इधर इसके diapers रखती हूँ, and easy peasy, जहाँ पे भी जाओ, इसको साथ में लेके चलो, very important. मेरे पास और भी एक है, which is from Heagles. I really like the color, इसलिए मैंने खरीदा था. It's also very very good. Oh, I did not know. And you never used it? I used this one first. ये मैं पहले use करती थी, ये बाद में gift में आया तो ये बाद में use करती थी। ये भी gift आया तुझे? तूने क्या खरीदा वो कुछ दिखा पहले। I mean, I have good friends. तो इसमें बस ये है कि इसमें ये carry करने की जगह नहीं है, जो अंदर अपने diaper वगैरह carry करो। यहाँ पे dry tissues रख सकते हैं and it's very very handy. Also मैं इसका भी link दे दूँगी। कहाँ से खरीद सकते हो तो ये भी खरीद। इट्स द ब्रांड इज मंचकिन, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो आउट नीड योर स्ट्रॉलर। वो शायद इतना फैंसी ना लगे, फिर से ब्लर हो रहा है। वो शायद इतना फैंसी ना लगे ये चीज़ जितनी जितना इसका प्राइस है, बट दिस थिंग इज सो गुड सो गुड। प्रियंका बताइए क्यों? इसकी कॉस्ट क्या है पहले तो ये बता। इन दिरहम्स 5000 ओके, जस्ट कन्वर्ट कर लेना। यूएई करेंसी बट रीजन, लुक एट द व्हील्स, बट द व्हील्स इजी ड्राई, लुक एट द बॉडी एल्युमिनियम। अच्छा इसकी अभी वीडियो में तो नहीं दिखा सकते, जब आप इसको पुश करोगे देन यू विल फील कि मतलब व्हाई दिस इज एक्सपेंसिव रियली। यू पीपल से जॉगिंग स्ट्रॉलर, दैट्स इट। और इसके अंदर जो ये क्लोथ है ना, ये आई डोंट नो व्हाट मटेरियल इज इट एग्जैक्टली, बट दिस इज दिस मेक साउंड डेडनिंग बेसिकली। जो मैंने एक चेंजिंग मैट, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा फोमी है, बच्चे को इजी होगा इस पे लेटना, बट उसके ऊपर से मैंने ये लगाया। दिस इज फ्रॉम फाइन द ब्रांड जिसके टिश्यूज होते हैं। ये क्या करता है? इट्स अ बेड पैड। तो अगर डर्टी होता है तो ये होता है, जस्ट थ्रो इट। और अगर ये डर्टी हो जाए तो? ये डर्टी हो जाए तो इट्स इजी टू क्लीन, बट आई डोंट प्रेफर। फिर भी इसके अंदर जा सकता है ना? नहीं, नहीं जा सकता, बट हाइजीन पर्पस के लिए आई थिंक। आई प्रेफर कि ये ऊपर हो। और सो मैंने इसमें डिफरेंट, इट्स वेरी मेसी। ऑल्सो मैं ये दिखाना चाहती थी जो मैंने डाइसो से लिया था। इट्स लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट जिसमें आप छोटी छोटी सी चीजें अलग अलग सेग्रीगेट करके रख सकते हो। I mean she has no problem, दूध पी लिया है, सो ली है, चैन से सब हो गया है, but she needs attention. अभी इसने दो दिन से नया शुरू किया है, फ्रंट की तरफ जोर लगाती है, फ्रंट की तरफ जोर लगाती है। ये नया चेंज आया है इसके अंदर, बस इसको अटेंशन चाहिए। अगर मैं इसको गोदी में ले लूं, पकड़ना जरा कैमरा, ये चुप हो जाएगी, इसको और कुछ नहीं चाहिए बस। ये देखो इसने नए नए अभी अभी गर्दन होल्ड करना शुरू किया है अपनी, ये देखो। डायपर बिन, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं था। अगर इट्स फ्रॉम मंचकिन आर्म्स एंड हैमर है, इसको ऐसे ओपन करो एंड इफ यू यू कैन सी, ये जो डायपर बिन का पैकेट होता है वो ऐसा है। बट व्हाई डू यू नीड दिस ऑनेस्टली, स्पेशली इन दुबई, स्पेशली इन दुबई जहाँ पे हर टाइम एसी एसी ऑन रहता है हमेशा, सब खिड़की दरवाजे बंद होता है, पीपल स्टिंक लाइक दिस नॉट टुमारो। तो ये होना बहुत जरूरी है। इसमें डायपर को डालो एंड जस्ट क्लीन। सो अभी स्मेल नहीं आएगा? नो स्मेल, सील सील, कुछ नहीं आता। जी हाँ, फॉर डायपर्स आई एम यूजिंग पैम्पर्स, पैम्पर्स वाइप्स, पैम्पर्स। आई डोंट हैव एनी कैडी हियर। पैम्पर्स तेरे को पे तो नहीं कर रहा है? नोबडी इज पेइंग मी, आई मीन आई जस्ट ओपनड माय चैनल, कौन पे करेगा मुझे? आई विश वी कर दे। नहीं तो पैम्पर्स मैं इसलिए यूज करती हूँ कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मेरा मीन हो ना हो तो अच्छा है। आई हैव ऑल द थिंग्स एज यू कैन सी, ऑल द ब्रांड्स, जॉनसन, हिमालयस, सेबामेड, मस्टेला, जितने भी ब्रांड्स हैं सारे मेरे पास हैं। मुझे लगा तू किसी नई लैंग्वेज में बात कर रही है। फॉर बेदिंग, फॉर मैं डायपर रैश क्रीम,
एवरीथिंग आई हैव हियर। तो उस डायपर रैश क्रीम से क्या होता है? अच्छा, उस बेबी को अगर रैश निकले तो इट्स वेरी वेरी गुड, आगे पीछे उसको ये सब लगा सकते हैं। आपके अगर हाथ का भी तेल वेल से जल जाए ना, यूज दिस। अच्छा, कुछ बचा है? हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है, ओके गो अहेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है रॉकर। बच्चे को ये वाला स्विंग बिल्कुल नहीं पसंद आया, बट ये वाला स्विंग बहुत पसंद आया। सी आई हैव अ बिग सुडो क्रीम आल्सो डायपर रैश क्रीम एंड दिस इज बेबी कॉम्ब, जो कि लैम्ब के बालों से बना है समथिंग लाइक दैट, बट इट्स वेरी सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, एंड द मोमेंट यू टच हर हेड शी फील्स लाइक वेरी कंफर्टेबल। उसको नींद आने लगती है, मसाज हो रही है। अभी गुस्से में इस टाइम की मम्मी कर क्या रही है, इससे पहले इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये है जो उसके नेल फाइलर है, और वो भी एक महीने के बाद से यूज करना चाहिए। तो इसको अगर ऐसे करके ऑन करो, देयर इज डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स, तो उसको ऑन करो तो वैसे घूमता है, बट इट्स वेरी सॉफ्ट। और इसको ना रात को जब अंधेरा हो जाता है, दूध पिला के तू सुला रही होती है, उस टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट है, बहुत अच्छी चीज है ये। तो ये जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ बेबी ऑयल आई यूज कस्टेला, व्हिच इज वेरी ऑयल, मतलब ये कहां लगाना होता है? अच्छा, ओवरऑल बॉडी के ऊपर नहाने से पहले? इट्स नॉट ऑयली, इट्स ऑयली व्हेन यू पुट आफ्टर सम टाइम इट गोज ऑफ। तो एक जो लास्ट चीज मैं दिखाना चाहती थी, सच में लास्ट चीज, और कुछ नहीं है मेरे पास, वो है, क्योंकि तूने बहुत लंबा वीडियो बना दिया, मुझे लगा 5 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं होगा, पर तू बहुत बातें करती है, पता है तुझे? वो है बेबी फीडिंग। फीडिंग बॉटल की बहुत जरूरत होती है, तो मैं यूज कर रही हूं। हाँ, समटाइम्स जब प्रियंका काम पे होती है, मतलब सच में जो दूसरा बॉटल है ना वो, एक्चुअली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू बॉर्न कभी कभी मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि शायद सकी नहीं कर सकते, लैच नहीं कर सकते, मम्मी को शायद दूध नहीं आ रहा हो, तो फिलिप्स एडवेंट में तेरी मम्मी को क्यों दूध आएगा? दूध तो तुझे आएगा ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मम्मी इसको अगर दूध नहीं आता तो इसमें फिलिप्स एडवेंट में एंटीकोलिक बॉटल है, ताकि बच्चे को गैस ना हो। इट्स डिजाइंड लाइक मदर्स निप्पल। ऑल्सो इसके जो साइजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, न्यू बॉर्न साइज, 3 to 6 month साइज, 0 to 6 month साइज, तो वो उस हिसाब से खरीद सकते हैं। कोलिक मतलब जिससे गैस नहीं होता, कोलिक, हाँ, जिससे गैस ना हो बच्चे को। और बहुत टेक्नोलॉजी लगाई है उसमें भी। गिफ्ट, अनदर गिफ्ट, हे भगवान, अगर प्रियंका को कोई गिफ्ट ना मिले ना, तो शायद ये बेबी अभी नंगी लेटी होती बिस्तर पे। उसमें से निकाल के दिखाना फिर उसको, ऐसे फोटो पे समझ नहीं आएगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है, रहने दे, बहुत ही बड़ा है, ऐसे दिखा दे। सिंपल, इसमें एक्चुअली 6 bottles आते हैं, इट्स किको, 6 bottles स्टेरिलाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू यूज बॉटल्स। आई डिडंट बाय दिस वन क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था, मुझे लगा था बट इट्स वेरी यूजफुल, या ओनली ड्रिंक माय मिल्क, बट नाउ शी ड्रिंक्स लिटिल बिट फार्मूला व्हेन आई गो टू वर्क, सो इट्स इंपॉर्टेंट। That's it for today. If I have anything else which I want to add, I will just put the links below. और लोगों के experience तो comments में share करने के लिए बोल सकते। अगर आपको कुछ भी लगे जो मैंने खरीदा है, it's complete useless for you, feel free to tell me. अगर आपको लगे कि मैंने कुछ ऐसा खरीदा नहीं है जो शायद चाहिए था मेरे बच्चे को, तो मेरा तो मौका निकल गया है, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो, किसी और के लिए helpful होगा। Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for liking Alia's channel. Please subscribe and share. Thank you so much.